वो बेचारा, जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, बेचारा बहुत ही बीमार हो गया था और अब ये मर गया। ये डालने लगे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसको फ्री में दे दिए ये दोनों। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज, आज एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, जो हमारा चुन्नू था वो बीमार था और बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। और आज मेरे साथ मेरे दो कज़न आए हैं, जो एक गंजा और एक बांदर है। आपको दिखाता हूँ एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, और हमारे दो चिक्स, तीन चिक्स थे, ये दो ये हैं, और एक जो चिक्स था हमारा देसी, जिसका नाम था चुन्नू, वो बेचारा, जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, बेचारा बहुत ही बीमार हो गया था और अब ये मर गया है, अफसोस। गाइस, जब मैंने वो चूज़ा लिया था तो इतने उसके पाल थे, और अब वो आपने देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, कितना भरा हो गया, और बेचारा ये जन्नत में चले गया है, क्योंकि बेजबान था ये, इसलिए ये जन्नत में चला गया। इधर से चल के और इधर आके इसका यहाँ से मुँह से पानी निकला है, और इसके बाद इससे लकड़ी थी काफ़ी ज़्यादा ठंड, इसलिए थोड़ा सा ना काँप रहा था, तो मैं ले आई इसे धूप में, और उसके बाद इसका इधर थोड़ा सा पानी निकला है मुँह से, इधर पानी निकला है, और उधर तरफ तरफ किसकी जान निकल गई है, और फिर मैं दोबारा ले गई हूँ छाँव में, इधर जाके मैंने अब रख दिया है। अगर अफसोस, ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी और इसकी मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, लेकिन अफसोस ये फिर भी नहीं बचा। तो बस ये वाला मेरा जो कज़न है ना, ये उठाएगा इस चूजे को, और अब इसी लेके चलती है और दफनाती है। तो गाइस, ये मेरा कज़न पकड़ने लगा, चलो पकड़ो, कागज़ से पकड़ने लगा है, कहता मुझे डर लगता है, तो गाइस ये पकड़ने लगा और अब इसे नीचे जाके दफनाते हैं। बाजार में आ गया हूँ, और ये हम अपने घर के बिल्कुल पास ही हमारा घर है, और इधर हमने ये खोद रहे हैं, यहाँ पे ये भाई खोद रहे हैं, यहाँ पे इसने चूचा पकड़ा हुआ है। अगर जब पूरी खोदी जाती है तब हम दिखाते हैं आपको, दफनाते हैं। तो फाइनली गाइस, कब्र हमने खोल ली है, और भाई चलो करो शुरुआत। गाइस, ये डालने लगे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी टांगे अंदर क्रॉस है, इसकी टांगे थोड़ी से, और भी उसे मुंह की तरफ से खींचो ना, आगे करो, आगे करो, हाँ थोड़ा अब ज़्यादा पीछे हो करो। गाइस, आ कर गई है इसकी बॉडी, और बेचारे की, पर हम कागज़ फोल्ड करके ना इसको, हाँ जी इस तरह इसको फोल्ड कर दो, ज़्यादा ना करो, कम ही करो। गाइस, इसके ऊपर बिस्मिल्लाह करते हैं, डाल दे कागज़ हमने रख दिया ऊपर, और यार एक और चीज़ रख दो, ये भी, ये लेस का पैकेट, और ये भी रख दो ऊपर, लेस का पैकेट रख देते हैं, ये हमने रख दिया एक और लेस का पैकेट, और इस तरह की चीज़ें, मतलब जिससे अंदर मिट्टी ना आ जाए, इसके ऊपर मिट्टी ना आ जाए। फिर अब डालने लगे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डालो, मैं भी एक थोड़ा सी डाल लेता हूँ मिट्टी अपने चूजे की कब्र के ऊपर। गाइस, ये डाल रहे हैं, तो गाइस इसको अब अच्छी तरह ऊपर से कर देते हैं। तो फाइनली गाइस, हमने ना चूजा ज़्यादा सुना लिया, ये लड़के आ गए हैं, एक ये आ गए, एक ये और ये तो बांदर सा मेरे साथ का ही है और ये एक और लड़का आ गया। तो गाइस, हमने ना इधर दफना दिया इस जगह पे। गाइस, ये ऐसी जगह है हमारे घर के बिल्कुल साथ जगह है, ये मुझे कभी भी नहीं भूलेगा, हमने ये निशानी लगा दी है बिल्कुल घर के पास ही, बिल्कुल साथ ही, ये गली, ये इधर गली है और यहाँ पे गली के पास हमने दफना दी। तो गाइस, ये वाले चूजे हैं ना, ये मैं भाई को देने लगा हूँ, मैं आपको बाद में पूरी स्टोरी बताता हूँ कि मैं इनको ये दो चूज़े क्यों देने लगा हूँ। गाइस, ये लेने आए हैं इन दोनों को, मैं ये वाले दो चूज़े दे देता हूँ, दूसरे वाले पकड़ लो, ये दूसरे वाले पकड़ लो, कुछ नहीं कहता ये। गाइस, ये डर रहा है, पकड़ लो, ये दूसरा वाले पकड़ने लगा है, वो भरा है इसलिए उससे थोड़ा सा डर रहा है, कुछ नहीं होता, पकड़ लो, कुछ नहीं कहेगा। ये लेके जाने लगे हैं गाइस, इनके पास केज भरा है स्टील का, चलो अब लेके चलो, इसलिए इसने थोड़ा सा ये भी डर रहा है। तो फिर मैं इधर आ गया हूँ, ये वह बच्चा है, इसके पास, इसने ये वाला जो है ना, ये वाला इसने भरा किया हुआ है, ये वाला चूजा इसने इस तरह बहुत ज़्यादा रखे हैं, और ये इसका इधर घर है, घर में लेके जाएगा, और ये कहता है मैं इसको भी पालूंगा, इस तरह के इसके पास बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, अभी मैं काफ़ी दूर आया हूँ घर से, घर जाता हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस, मैं घर आ गया हूँ, और वो वाले चूजे मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों दिए उस बच्चे को। तो गाइस, मेरे पास ना टाइम बहुत ज़्यादा कम होता था, मैंने आपको बताया कि मैं फंस करता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा कम होता था, तो इसलिए मैं सिर्फ दिन में उनको दो रुपये ही खोल सकता था, और सही तरह उनको मतलब दाना दुना दे सकता था। तो बाद में मैंने सोचा मैं कि अपने कज़न को देता हूँ, मेरा कज़न कहता कि मैं इसकी सही तरह हिफाजत नहीं कर सकता क्योंकि हमारे घर में बिल्ली है। बाद में मैं उस बच्चे को चला गया, उस बच्चे के पास चला गया, तो वो मुझे कहता है फ्री में दे दो, मैंने उसे दोनों चूज़े फ्री में दे दिए। तो फिर वो वाला जो हमारा चुन्नू था देसी चूज़ा, वो वाला मर गया है, और उसका बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तो यहीं पर अगर हम स्लोक एंड, अगर आपको आज का लोग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उतने के लिए बाय बाय।